स्टॉक ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। और ये जो कंपनी है 70% 70% का अर्निंग ग्रोथ देने वाली कंपनी, सोचिए इतनी मजबूत कंपनी। क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन, मैं पिछले हफ्ते भी बोल चुका हूं, क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन इसके रिजल्ट्स पे भी बात करूंगा, बट क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन पे खरीदारी की राय है। ऑटोमोटिव में मीडियम टू हैवी कमर्शियल व्हीकल को केटर करती है, साथ ही साथ टू व्हीलर को केटर करती है। पावर ट्रेन कंपोनेंट्स, एल्युमिनियम कंपोनेंट्स और इंजीनियरिंग का डिवीजन है इनका। 4,000 करोड़ के ऊपर का मार्केट कैप है। आने वाले 2-3 सालों के लिए जबरदस्त ग्रोथ, 70% का प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ, अर्निंग ग्रोथ आप देख सकते हैं। मार्जिन फिर से दोबारा 29% के करीब आ सकते हैं FY23 में। नतीजों की बात करें तो पिछले साल भी ऐसा ही हुआ था दीपांशु, कि फर्स्ट हाफ जो था इनका नतीजों का वो प्रॉफिटेबिलिटी मंदा था और सेकेंड हाफ बहुत स्ट्रॉन्ग था, इसीलिए ये पहले क्वार्टर के जो प्रॉफिट या नंबर्स आए हैं मुझे तो इनलाइन दिख रहे हैं। बहुत ही मजबूत कंपनी, आने वाले 2 सालों के लिए 70% का ग्रोथ कर सकते हैं। टारगेट होगा 2655, 2655 क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन।